गाइस, मैं हूँ शिवानी और मैं कल गई थी रास्ते में कुछ खरीदने के लिए, तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे फ्लैग बेच रहे हैं। वो ज़्यादा प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे थे और कोई उनका फ्लैग भी नहीं खरीद रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए। रात में ये देख के मेरे को तो नींद भी नहीं आई, उन्हीं का चेहरा घूमता रहा। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो आज हम जा रहे हैं उनकी पता नहीं कैसे बट हेल्प करने। सो सी यू। ये क्या फोन पे लगी हुई हो? अरे मम्मी, मैं कैश करो पे शॉपिंग से मिले हुए रिवॉर्ड्स चेक कर रही हूँ। आपको पता है कैश करो पे है 1500 से भी ज्यादा रिटेलर्स जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। यहाँ पे आपको ग्रोसरी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पे ढेर सारा कैशबैक मिल सकता है सिर्फ शॉपिंग से। और हाँ, एक बात बताऊँ, नीचे दिए गए लिंक से अगर आपने साइन अप किया तो आपको मिलेगा 25 रुपीज का साइन अप बोनस। क्या बात है, मैं अभी जा रही हूँ नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करने। अरे वाह मम्मा, आपको भी 25 रुपीज का साइन अप बोनस चाहिए? आओ मैं सिखाती हूँ। सो गाइस, हमने ले लिए बहुत सारे सैनिटाइजर्स एंड मास्क अपने बच्चों के लिए और हम जा रहे हैं उनके पास उनकी मदद कर, हाँ, हेल्प करने। मम्मी एक बार मेरे साथ ऐसे करो ना, 1 2 3 चा चा चा। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अठवा लेन, राइट? अठवा गेट पहुंच चुके हैं और हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हिंदुस्तान का झंडा बेच रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इनकी मदद करें। सबसे पहले मैं इनको मास्क देने वाली हूँ क्योंकि इनमें से कोई भी मास्क नहीं पहना हुआ है। पहनो मास्क पहनो सबको। मम्मी ये सैनिटाइजर्स दे दो सबको। मुझे ये बताओ, एक झंडा कितने का बेचते हो? एक झंडा 30 रुपए का बेचते हो। 30 रुपए का बेचते हो और छोटा वाला झंडा 20 रुपए का, और ये बैच कितने का बेचते हो? 10 रुपए का बेचते हो। 10? ये 15 रुपए का। तो दिन भर में कितना कमा लेते हो? 200-300 रुपया कमा लेते हो। अच्छा, आज हम लोग सब मिल के इसको मदद करेंगे आपको बेचने की, ठीक है? मैं कुछ फ्लैग्स ले लेती हूँ। मम्मी कुछ फ्लैग्स ले लीजिए। हर चीज सैनिटाइज करनी जरूरी है। आप लोगों ने अपने हाथ सैनिटाइज कर लिए? नहीं, पहले हाथ सैनिटाइज करो यार। मैं आप लोगों के लिए फ्लैग बेचना चाहती हूँ कि आज आप 200 रुपए से ज्यादा कमा सके, ठीक है? चलो, तो गाइस हम लोग कोई पैसे दे के नहीं जा रहे हैं अभी इनको, और ये लोग भरोसे पे हमें सारे फ्लैग्स दे दिए इन्होंने। सो स्वीट। मिलते हैं, मैं यहीं पे आऊंगी आप लोगों के पास, ठीक है? बाय। मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपनी दोस्त के घर। हाय हाय। एक्चुअली हम लोग फ्लैग बेच रहे हैं यहाँ पे अठवा लाइन पे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने हाथ से फ्लैग बनाते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं हम इस इंडिपेंडेंस डे। तो क्या आप हमसे कोई भी फ्लैग लोगे और आपको जो अच्छा लगे ना अपने इच्छा अनुसार पैसे दीजिएगा? मतलब इसकी कॉस्टिंग नहीं है, ये बच्चों की मेहनत है और जो भी पैसा हम आपसे कमाएंगे वो हम उनको देंगे। थैंक यू सो मच। हमारी बोनी हो गई है। एक बार सैल्यूट कर दे कैमरा के सामने। ये थैंक यू सो मच यार। सो यहाँ तो अच्छी स्टार्ट हो गई है मम्मी। हाँ, स्टार्टिंग अच्छी हो गई। एक फ्लैग हमारा बिक चुका है और अब हम जा रहे हैं मेघा के घर। चलो ઇન્ડિયા કે નામ છે
50 रुपीज ऑलरेडी मैन वाओ अच्छा आई एम सो मैं आपको ये भेज रहा हूं ओह माय गॉड सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत प्राउड फील कर रही हूं मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम ये चीज कर रही हो आई एम सुपर हैप्पी और मैं भी जुड़ने वाली हूं आप भी जुड़िएगा अने सुरती हो कैसे जाता नहीं ज्वाइन तो जो आवा फटाफट अने मेरे बैच पढ़वा दे तो ये मम्मी फ्री में दे रही है मम्मी एकदम दिलदार हो गई है मेगा को देख के ओवर हैप्पी हो गई है हम बेच रहे हैं गाइस ये बट मम्मी का दिल गार्डन गार्डन हो गया मेगा को देख गाइस ये हमारा छोटा सा एक इनिशिएटिव है हम हेल्प कर रहे हैं उनको फ्लैग बेच के ओके और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं मतलब ये मेरा आइडिया है हम लोग सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए कोविड चल रहा है लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे राइट खाना पीना नहीं मिल रहा है तो उनका इसलिए नहीं खरीद रहे हैं ना मास्क नहीं लगाए हैं सैनिटाइजर मास्क एक्स्ट्रा रखो गाइस अगर आपको दिखते हैं कि ऐसे बच्चे बिना मास्क के घूम रहे तो उनको गिफ्ट कर दो मास्क आपका कुछ नहीं जाएगा कुछ नहीं जाएगा सैनिटाइजर भी दे दो यार थोड़ा भला तो हम भी कर ही सकते हैं चलो फिर जय हिंद जय हिंद कहाँ जा रही है मैं मास्क ले रही थी आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग यार ये लोग इतना अच्छा नोबल कॉज कर रहे हैं मैं थोड़ी ना पीछे हटूंगी और सूरती कभी पीछे नहीं हटते ओह माय गॉड मैं आ रही हूँ पर मेरे पास एक किट नहीं है यार एक काम करते मुझे नहीं लगता किट की अभी जरूरत है इसे तो निकाल देते तो हम लोग गाइस मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम लोग एमीबा हैं आप लोग देख सकते हो शिवानी को कितनी तकलीफ हो रही है और मैं यही सोच रही हूँ कि कोई खींच दो जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं गर्मी लगती है इसको हवा नहीं जा रही और ऊपर से इसने पूरा भर रखा है ओह माय गॉड आई कैन ब्रीथ हाय गाइस तो हम आ गए हैं शिवानी के सोसाइटी में और अब देखेंगे कौन ये फ्लैग खरीदेगा अरे तेरे नेबर के पास चलता ना हाँ। ये नूबी के साथ मैं बहुत वीडियोस बनाती हूँ और वो मुझे मना नहीं कर पाएगा जैसे ये मुझे मना नहीं कर पाई इस इंडिपेंडेंस डे हमने सोचा कि हम किसी की मदद करें तो हम अठवा लाइन गए अठवा लाइन पे छोटे छोटे बच्चे ये फ्लैग बना रहे थे तो हमने ये फ्लैग्स खरीदे और उनको बोला कि इनको बेच के जो पैसे आएंगे वो हम उनको दे देंगे तो बस आप लोगे हाँ मम्मी ने हाँ भी बोल दिया किसी ने हाँ बोला ना मम्मी उन्होंने क्यों अच्छा फिर उन्होंने दे दिया ओके और एक दीदी को ओके सो हम लोग सब मिलके जोर से जय हिंद बोलेंगे हाँ 3 2 1 जय हिंद तो आपको जितना अच्छा लगता है आप उतने रुपए में जितने फ्लैग लेना चाहते हो ले सकते थैंक यू सो मच गाइस एक बार जय हिंद साथ में बोल ले ऐसा नहीं 1 2 3 जय हिंद सो गाइस मेघा और मम्मी चले गए सामने वाले शॉप में क्योंकि हमारे पास टोटल 8 फ्लैग्स बाकी है 2 फ्लैग्स मेरे पास है देखते हैं हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं नमस्ते अठवा गेट में छोटे छोटे बच्चे जो ये फ्लैग बनाते हैं और आज मैं उनकी जगह बेच रही हूँ क्योंकि कोरोना इतना चल रहा है तो उनके पास मास्क नहीं है सेफ्टी गियर्स नहीं है हमने अच्छे से इसको सैनिटाइज किया हुआ है तो क्या आप हमसे ये फ्लैग खरीदेंगे खरीदेंगे ओह माय गॉड इज सो स्वीट मैन इज रेडी टू बाय इट सो आप एक फ्लैग लेंगे कि दो फ्लैग लेंगे एक फ्लैग लेंगे तो ये छोटू वाला फ्लैग मैं इनको दे रही हूँ ये हमारी तरफ से आपके लिए आपको जो अच्छा लगता है उतना अमाउंट दे दीजिए हमें 20 रुपीज सो जेनरस मैन सो जेनरस थैंक यू सो मच सर एक बार झंडा उठा के जय हिंद बोले जय हिंद चलो आओ देखते हैं मम्मी और मेघा क्या कर रहे हैं तो आपको जितने पैसे भी देना हो जितने भी फ्लैग्स चाहिए आप अपने हिसाब से ले लीजिए सो आप बोलेंगे 2 ओके और रेश इज टेकिंग 2 फ्लैग्स ओह माय गॉड आई एम सुपर एक्साइटेड थैंक यू सो मच गाइस हम वापस इस शॉप में आए बिकॉज़ वी हैव समथिंग टू शेयर एंड ये
एंड दिस इज अ प्राउड मोमेंट, वी आर ऑल इंडियंस ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे. हमें कोई ऐसे मिले जो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन रखते हैं. दिस अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. या दैट डिजर्व कर इट. लाइक सो सो अमेजिंग. ये बैच लगाऊं? मम्मा बैच लगाना चाहते हैं. उनके पास जितने बैच है ना वो ऐसे खत्म कर रहे हैं. बहुत अच्छा मोमेंट है यार. मतलब उनको ये समझ में आया कि इंडिया का प्राइड क्या है. वी आर ऑल प्राउड टू बी इंडियंस. एक साथ जय हिंद हो जाए गाइस एवरीबॉडी. 3, 2, 1 जय हिंद. सो गाइस बेसिकली हम मम्मी के सिस्टर के यहाँ जा रहे हैं जो मेरी मौसी है. हाँ, और हमारे पास सिर्फ 3 फ्लैग्स बाकी. आई होप हम जल्दी से फ्लैग्स खत्म कर लेंगे. गलत डिसीजन था. तो बोल नहीं पा रही. थक गए हम लोग. साथ मारा करके आए वैसे. हाय हेलो मौसी. हाय. ये मम्मी इतनी जोर से हाय से बोल रही है क्योंकि वो लिफ्ट से आई है. चलो आओ गाइस कम ऑन. तो ये मम्मी चंद बूंद प्रसाद की हर 2 मिनट बाद दे देती है हमें. मैं भी भूल गई यार. चरणामृत. हम आज इनको अपने लास्ट 3 झंडे बेचने आए हैं. ये होता है ट्रू इंडियन. क्या बात है. मौसी आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे. हम बेच रहे हैं. पैसे ना बच्चों को देने वापस. मौसी के पैसे आ गए. मौसी जी हो गया. और दूसरा बैच ये नहीं बिका. एक बैच नहीं बिका जिसका अभी हम क्या करने वाले देख लेना. हाँ, तो अभी ये जो बैच है क्योंकि मौसी जी ने 3 हमारे लास्ट फ्लैग ले लिए तो हम ये आपको देना चाहते हैं. तो आंटी जी आप क्यों ना आप जाके लगा दें प्लीज. एक बहन दूसरी बहन को हिंदुस्तान का बैच लगा रही है. तालियां. तालियां बहना मेरी. राखी के बंधन को निभाना. झंडे के बंधन कुछ भी निभा लेना. झंडे की इज्जत को निभाना. और ये पीछे जो आपको बू बू आवाज आ रही है ये इतना छोटा सा कुत्ता है. इतना छोटा. इशिता स्टफी की गेस्ट एंट्री हो सकती है क्या? ये इतना बड़ा कुत्ता नहीं है. ये बड़ा हो गया है. जब मैंने इसको देखा ना तो ये इतना बड़ा हो गया है कि हमारा नाम चलता लग रहा है. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्टफी. तो गाइस स्टफी के इंक्लूजन के साथ हम जोर से एक बार जय हिंद बोलेंगे सबको. हम एक बार जोर से जय हिंद बोलेंगे. हां आदेश का. तो गाइस हमारी बहुत अच्छी कमाई हो गई है. ऑलमोस्ट अराउंड 250 के आसपास हमारा बजट हो गया. शायद 230 या 250 के बीच में होगा. बहुत मजा आया. बहुत मजा आया एक्चुअली शिवानी. अब मैं यहाँ से निकलूंगी. जय हिंद मेघा. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बाय. दीदी आपने कितने कमाए? मैंने कितने कमाए? अच्छा मैं बता दूं? बता दूं? सस्पेंस नहीं रखूं? हमने मिलके कमाए तुम लोगों के लिए 500 रुपए. अच्छा ये रहे तुम्हारे. इधर आ जाओ मामा. 500 रुपए दे दो. ये रहे तुम्हारे 500 रुपए. मेरा फ्लैग का है ये. तो गाइस एक्चुअली हमने टोटल 230 रुपीज कमाए थे. पर जैसे आपने मेरी वीडियो में देखा हमने ये बोला है कि जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है वो उतना कंट्रीब्यूट कर सकता है. तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन था 230 में 500 रुपए करने का. हिंदुस्तान का झंडा खरीदा है. किसी ज़रूरतमंद की मदद की. बहुत अच्छा फील हो रहा है. कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है ना. मेरे को बहुत मतलब एक अंदरूनी खुशी मिल रही है. और गाइस हमने भीख नहीं दी किसी को. इनके लिए मेहनत की है. ये मेहनत की कमाई है. और आप भी इस इंडिपेंडेंस डे किसी ना किसी की मदद ज़रूर करें. ज़रूर करें. ये इंडिपेंडेंस डे का प्लेज होना चाहिए कि इस इंडिपेंडेंस डे आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें. मैं नहीं बोल रही कि आप जाके फ्लैग्स बेचें. ये मेरा कंट्रीब्यूशन था. आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें. है ना. एक बार जय हिंद बोले साथ में. बच्चों तुम लोग जय हिंद बोलोगे मेरे साथ? आ जाओ सारे आ जाओ. 1, 2, 3 जय हिंद. चलो कितना अच्छा लग रहा.
ऐप है जहाँ पे आप रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं और अपने रिवॉर्ड्स को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये देखो, मैंने कैश करो डाउनलोड किया, इसमें है 1500 से भी ज्यादा रिटेलर्स। सो आपको इतनी सारे एप्स अपने फोन में रखने की जरूरत नहीं है। सो एक ऐप रखो जो है cashkaro.com, जिससे आप अपनी मनचाही शॉपिंग करो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, कपड़े, इनके ऊपर कमाओ आप रिवॉर्ड्स। अब देखो, मैं गई cashkaro पे, यहाँ पे मैंने ऑरेंज बटन दबाया, मेरे को ये डायरेक्टली ले गया मिंत्रा पे, जहाँ पे मैंने 12,095 रुपए की शॉपिंग की और इस पे मुझे ऑलरेडी रिवॉर्ड मिल चुका होगा cashkaro पे। इस रिवॉर्ड को या तो मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकती हूँ या यूज कर सकती हूँ Amazon गिफ्ट वाउचर जैसे। तो जाओ आज ही cashkaro डाउनलोड करो, और हाँ, नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करना तो 25 रुपीज साइन अप बोनस मिलेगा। तो अभी जाओ ढेर सारा कैशबैक घर बैठे बैंक ट्रांसफर करो राइट नाउ।